नमस्कार बच्चों, आपका 12वीं कक्षा विषय व्यवसाय अध्ययन भाग एक में आज तीसरे अध्याय व्यावसायिक पर्यावरण में स्वागत है। बच्चों, इस अध्याय के अधिगम के उद्देश्य इस प्रकार हैं। इस अध्याय के अध्ययन के उपरांत आप व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ और इसकी विशेषताओं को समझ सकेंगे, व्यावसायिक पर्यावरण के महत्व को समझ सकेंगे, व्यावसायिक पर्यावरण के विभिन्न आयामों का वर्णन कर सकेंगे, भारत में आर्थिक पर्यावरण एवं वाणिज्य तथा उद्योग पर सरकार की नीतियों के प्रभावों का विश्लेषण कर सकेंगे। तो आइए बच्चों, प्रारंभ करते हैं व्यावसायिक पर्यावरण के अर्थ से। प्यारे बच्चों, सामान्य शब्दों में व्यावसायिक पर्यावरण से अभिप्राय व्यवसाय को प्रभावित करने वाले उन सभी घटकों के योग से है जो कि व्यवसाय से बाहर स्थित हैं तथा जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। उदाहरण के तौर पर सरकार की आर्थिक नीतियाँ, तकनीकी परिवर्तन, राजनैतिक अनिश्चितता, ग्राहकों के फैशन एवं रुचि में परिवर्तन तथा बाजार में बढ़ती हुई प्रतियोगिता आदि सभी एक व्यावसायिक इकाई के कार्य को कई महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित करते हैं। जैसे सरकार यदि करों में वृद्धि करती है तो इससे वस्तुएँ महंगी हो जाएंगी। फैशन एवं उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन से बाजार में वर्तमान उत्पादों के स्थान पर नए उत्पादों की मांग उत्पन्न हो सकती है। इसी प्रकार बाजार में प्रतियोगिता में वृद्धि से व्यावसायिक इकाई के लाभों में कमी आ सकती है। व्यावसायिक पर्यावरण के अर्थ से इसकी निम्न विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। पहली, बाहरी शक्तियों की समग्रता। व्यावसायिक पर्यावरण उन सभी शक्तियों का योग है जो व्यवसाय के बाहर उपलब्ध होती हैं और जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। यह एक नहीं बल्कि अनेक शक्तियों का समूह है, इसलिए इनकी प्रकृति शक्तियों की समग्रता की है। दूसरी विशेषता, विशेष एवं सामान्य शक्तियाँ। प्रायः व्यवसाय के बाहर उपस्थित शक्तियों को दो भागों में बांटा जाता है, विशेष तथा सामान्य। विशेष शक्तियाँ वे शक्तियाँ हैं जो एक उद्योग की फर्मों को अलग अलग रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे ग्राहक, पूर्तिकर्ता, प्रतियोगी फर्में, निवेशक आदि। सामान्य शक्तियाँ वे शक्तियाँ हैं जो एक उद्योग की सभी फर्मों पर लगभग एक जैसा प्रभाव डालती हैं, जैसे सामाजिक, राजनैतिक, वैधानिक व तकनीकी परिस्थितियाँ। तीसरी विशेषता, आंतरिक रूप से संबंधित। व्यावसायिक पर्यावरण के विभिन्न घटक एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए, एक नई सरकार की सत्ता में आते ही आयात निर्यात नीति में परिवर्तन होना, यहाँ नई सरकार का सत्ता में आना राजनैतिक पर्यावरण में तथा आयात निर्यात नीति में परिवर्तन होना आर्थिक पर्यावरण में परिवर्तन है। अतः एक घटक में परिवर्तन से दूसरा घटक भी प्रभावित होता है। चौथी विशेषता, गतिशील प्रकृति। व्यावसायिक पर्यावरण अनेक बाहरी घटकों का मिश्रण होता है और इनमें समय समय पर किसी न किसी रूप में परिवर्तन होता रहता है। घटकों की इस प्रवृत्ति के कारण ही व्यावसायिक वातावरण सदैव गतिशील रहता है। पांचवी विशेषता, अनिश्चितता। व्यावसायिक पर्यावरण में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए इसमें निश्चितता को लेकर कुछ भी कहना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, तकनीक में थोड़े थोड़े समय के बाद बड़े बड़े बदलाव आते रहते हैं। ऐसे में कौन सी तकनीक कब पुरानी हो जाए, इसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यही स्थिति फैशन की भी रहती है। अतः व्यावसायिक पर्यावरण में निरंतर अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। छठी विशेषता, जटिलता। व्यावसायिक पर्यावरण कुल मिलाकर जटिल प्रकृति का होता है। इसमें अनेक शक्तियाँ शामिल होती हैं जो कि अलग अलग परिस्थितियों में व्यवसाय पर अलग अलग रूप में प्रभाव डालती हैं। अतः व्यावसायिक उद्यम पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों के प्रभाव का अलग अलग मूल्यांकन करना एक जटिल कार्य होता है। सातवीं विशेषता, तुलनात्मकता। व्यावसायिक पर्यावरण भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए, यूएसए की राजनीतिक, सामाजिक व व्यापारिक परिस्थितियाँ चीन अथवा पाकिस्तान की परिस्थितियों से भिन्न होती हैं। या आप यह कह सकते हैं, साड़ियों की मांग भारत में काफ़ी अधिक हो सकती है जबकि फ्रांस में यह ना के बराबर होती है। अतः व्यावसायिक पर्यावरण एक तुलनात्मक अवधारणा है।
बच्चों आगे बढ़ते हैं और व्यावसायिक पर्यावरण के अध्ययन के महत्व को जानते हैं। नंबर एक, संभावित अवसरों की पहचान एवं पहल करने के लाभ। जो व्यवसायी आरंभिक स्तर पर व्यावसायिक पर्यावरण के अवसरों को समझने और उनका विश्लेषण करने के योग्य होते हैं, वे अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं तथा वे ही बाजार में एक बड़ा हिस्सा हासिल करने में कामयाब हो पाते हैं। उदाहरण के लिए, मारुति उद्योग बहुत कम समय में छोटी कार बाजार के शीर्ष पर आ गया, क्योंकि यह प्रथम संगठन था जिसने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों एवं विशाल भारतीय मध्यम वर्ग के पर्यावरण में छोटी कार की आवश्यकता को सबसे पहले पहचान लिया था। नंबर दो, खतरे या चेतावनी के संकेतों की पहचान करने में सहायक। व्यावसायिक पर्यावरण के अध्ययन से एक व्यवसाय उपलब्ध अवसरों के साथ साथ खतरों की भी जानकारी प्राप्त करता है। यदि समय रहते उसे इन खतरों की जानकारी मिल जाए तो वह उनका सामना करने के लिए समुचित प्रयास कर सकता है, और यह सब व्यावसायिक पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के लगातार अध्ययन से ही संभव हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि भारतीय फर्मों को यह जानकारी मिले कि कोई विदेशी बहुराष्ट्रीय इकाई भारतीय बाजार में कोई स्थानापन अथवा पूरक वस्तु लेकर आ रही है, तो समय रहते ही वह अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करके अथवा उत्पादन लागत में कमी करके या विज्ञापन की सहायता से ऐसे कदम उठा सकती है जो आने वाले खतरे का सामना कर सकेंगी। नंबर तीन, संसाधनों को एकत्रित करने एवं उनका उपयोग करने में सहायक। एक संगठन को अपना व्यवसाय चलाने के लिए अनेक संसाधनों जैसे माल, मशीनों, मानव और धन की आवश्यकता होती है। इन्हीं संसाधनों से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। एक व्यवसाय आसपास के पर्यावरण से ही संसाधनों को प्राप्त करता है और पर्यावरण को ही उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध करवाता है। व्यवसाय को व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन करने से ही यह जानकारी प्राप्त होती है कि वर्तमान में व्यावसायिक पर्यावरण की क्या आवश्यकता है और इन आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है। अतः पर्यावरण से उपयोगी संसाधनों को प्राप्त करना संभव होता है। नंबर चार, तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सामना करने में सहायक। बच्चों, आज का व्यावसायिक पर्यावरण पहले की अपेक्षा अधिक गतिशील हो गया है, जिसमें लगातार और तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। व्यवसाय से संबंधित विभिन्न घटकों जैसे प्रतियोगिता, फैशन, ग्राहकों की संख्या, तकनीक आदि में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। व्यवसाय पर इन परिवर्तनों का इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि इन परिवर्तनों की गति से पड़ता है। यदि यह गति एक सीमित सीमा में हो तब इसका सामना करना इतना मुश्किल नहीं होता, परंतु परिवर्तनों की गति तेज हो तो इसका सामना करना कठिन होता है, और यह काम केवल व्यावसायिक पर्यावरण के लगातार अध्ययन के द्वारा ही संभव हो सकता है। नंबर पाँच, नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायक। प्यारे बच्चों, व्यावसायिक पर्यावरण में परिवर्तन व्यवसाय के लिए अवसर भी है और खतरा भी, इसलिए व्यावसायिक पर्यावरण की जानकारी नियोजन एवं नीति बनाने के लिए आधार प्रस्तुत करती है। उदाहरण के लिए, बाजार में नई फर्मों के प्रवेश पर एक उद्यम उनके साथ प्रतियोगिता का सामना करने के लिए व्यावसायिक पर्यावरण के अध्ययन की सहायता से ही विशेष नीतियों और नियोजन द्वारा रणनीति तैयार कर सकता है। नंबर छः, कार्य निष्पादन में सुधार। किसी भी संस्था के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए व्यावसायिक पर्यावरण के अध्ययन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लंबे समय तक बाजार में टिके रहने के लिए एक संगठन को लगातार व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन करते रहने की ज़रूरत होती है। ऐसा न करने वाले संगठन अधिक समय तक बाजार में टिके नहीं रह सकते। अतः हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक पर्यावरण के अध्ययन से एक संगठन अपने वर्तमान एवं भविष्य दोनों को सुधार सकता है। बच्चों, अगला टॉपिक है व्यावसायिक पर्यावरण के आयाम अथवा अंग। व्यावसायिक पर्यावरण के आयामों में विशिष्ट पर्यावरण के विपरीत सामान्य व्यावसायिक पर्यावरण के तत्वों को शामिल किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, इसमें आर्थिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, तकनीकी पर्यावरण, राजनैतिक पर्यावरण एवं कानूनी पर्यावरण को शामिल किया जाता है। ये एक उद्यम के निर्णय लेने एवं निष्पादन में सुधार के लिए उत्तरदायी होते हैं तथा अधिकांश रूप से एक ही समय में कई उद्यमों को प्रभावित करते हैं।
आइए इनका एक एक करके विस्तार से अध्ययन करते हैं। नंबर एक, आर्थिक पर्यावरण। आर्थिक पर्यावरण एक देश में विद्यमान आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीतियों व आर्थिक दशाओं से बनता है। आर्थिक पर्यावरण के घटक एक व्यवसाय को बड़ी सीमा तक प्रभावित करते हैं। यह व्यवसाय के लिए खतरा भी पैदा करते हैं और अवसर भी। व्यवसायियों के लिए आवश्यक है कि आर्थिक पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर विशेष रूप से दृष्टि रखें, ताकि संभावित खतरों से बचा जा सके और अवसरों का लाभ उठाया जा सके। आर्थिक वातावरण में आर्थिक प्रणालियों जैसे समाजवादी आर्थिक प्रणाली, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, मिश्रित आर्थिक प्रणाली आदि तथा आर्थिक नीतियों में मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, आयात निर्यात नीति, कर नीति तथा औद्योगिक नीति आदि तथा आर्थिक दशाओं में राष्ट्रीय आय, सामान्य मूल्य स्तर, बाजार दर, लोगों की कर योग्य आय में परिवर्तन इत्यादि तत्वों को शामिल किया जाता है। बच्चों, व्यवसाय पर्यावरण के एक व्यवसाय पर पड़ने वाले प्रभावों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हो सकते हैं। लोगों की आय में वृद्धि से वस्तुओं की मांग में वृद्धि और लोगों की आय में कमी से वस्तुओं की मांग में कमी होना, या उच्च मुद्रास्फीति दर से व्यवसाय के उत्पाद की लागत में वृद्धि होना जिससे उत्पाद की मांग में कमी होना, या मुद्रास्फीति की दर के कम होने से उत्पाद की लागत में कमी आना और उत्पाद की मांग में वृद्धि होना। नंबर दो, सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण में अनेक सामाजिक शक्तियों जैसे रीति रिवाज, परंपराएं, मूल्य, सामाजिक प्रवृत्तियां, इच्छाएं, शिक्षा के स्तर और समाज की अपेक्षाओं आदि को शामिल किया जाता है। यह सभी शक्तियां व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। अतः व्यवसायी सामाजिक वातावरण की इन शक्तियों को अनदेखा नहीं कर सकता। सामाजिक पर्यावरण के व्यवसाय पर पड़ने वाले प्रभावों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हो सकते हैं। भारत में मनाए जाने वाले अनेक त्यौहार विभिन्न व्यवसायों के लिए अलग अलग प्रकार के अवसर पैदा करते हैं। जैसे दीपावली पर मिट्टी के बने दियों की मांग के रूप में विशेष रूप से वृद्धि होना, या शहरी इलाकों में स्वास्थ्य और फिटनेस की प्रवृत्ति से व्यायाम शालाओं और शुद्ध पेयजल आदि की मांग में वृद्धि होना इत्यादि। नंबर तीन, तकनीकी पर्यावरण। तकनीकी पर्यावरण के अंतर्गत वस्तुओं व सेवाओं को पैदा करने व व्यवसाय को चलाने के लिए नई विधियों के नवप्रवर्तन अथवा खोज को सम्मिलित किया जाता है। तकनीकी परिवर्तन एक ओर जहां एक व्यवसाय के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, तो दूसरी ओर दूसरे प्रकार के व्यवसाय के लिए अवसर भी पैदा करता है। एक व्यवसायी को वर्तमान समय में तकनीकों में आने वाले परिवर्तनों की बेहद बारीकी से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि अगर समय रहते वह इन बारीकियों को जान लेगा तो वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकेगा, अन्यथा व्यवसाय के अस्तित्व को खतरा पैदा हो सकता है। उदाहरण के लिए, बाजार में फोटोस्टेट मशीनों के आने से कार्बन पेपर व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ा। उसी प्रकार डिजिटल घड़ियों ने परंपरागत घड़ियों के व्यवसाय को लगभग समाप्त कर दिया, तथा टेलीविजन ने जब बाजार में अपनी जगह बनाई, इससे रेडियो के उद्योग पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ा था। अतः स्पष्ट है कि एक व्यवसाय पर तकनीकी पर्यावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। नंबर चार, राजनैतिक पर्यावरण। राजनैतिक पर्यावरण में देश में सामान्य स्थिरता एवं शांति तथा चुनी गई सरकार के प्रतिनिधियों का व्यवसाय के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण जैसी राजनीतिक परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं। राजनैतिक पर्यावरण का व्यवसायिक समुदाय पर गहरा प्रभाव पड़ता है, और यह प्रभाव सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। उदाहरण के लिए, 1991 में हमारी अर्थव्यवस्था के खुलेपन के बाद भी विदेशी कंपनियों ने भारत में व्यवसाय के लिए अनुमति प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाइयों का अनुभव किया। यह उस समय की मौजूदा सरकार के द्वारा स्थापित तंत्र की वजह से था, परंतु पिछले कुछ समय से उदारीकरण और वैश्वीकरण अपनाने से इन स्थितियों में सुधार हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप इन कंपनियों की हमारे देश में निवेश करने की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। एक दूसरे उदाहरण के रूप में, हैदराबाद सरकार द्वारा सूचना एवं तकनीकी उद्योग को बढ़ाने में विशेष प्रयासों के परिणाम स्वरूप अब हैदराबाद राज्य साइबराबाद के नाम से जाना जाने लगा है, तथा अब वहां पर सूचना एवं तकनीकी उद्योग के लिए
विशेष रूप से अपार संभावनाएं मौजूद हैं। नंबर 5, कानूनी अथवा वैधानिक पर्यावरण। कानूनी अथवा वैधानिक पर्यावरण में संसद में पारित कानून, न्यायालय के फैसले, देश में केंद्रीय, राज्य व स्थानीय स्तर पर नियुक्त आयोग व एजेंसियों के निर्णयों को शामिल किया जाता है। यह नियम व निर्णय व्यावसायिक उपक्रमों की आर्थिक क्रियाओं को नियंत्रित करने में सरकार की मदद करते हैं, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का नियोजन एवं नियंत्रण केंद्र द्वारा किया जाता है। अतः व्यावसायिक संस्थाओं को कानूनी अथवा वैधानिक पर्यावरण ढांचे के अंदर ही काम करना पड़ता है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लागू होने वाले कुछ कानूनों में कारखाना अधिनियम 1948, व्यवसाय संघ अधिनियम 1926, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, माल विक्रय अधिनियम 1930, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 तथा हाल में ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के स्थान पर बनाया गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 आदि शामिल हैं। इन कानूनों की अनुपालना न करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। सरकार ने विज्ञापन दाताओं के लिए भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका अनुपालन करना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, सिगरेट के विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है तथा सिगरेट के प्रत्येक पैकेट पर वैधानिक चेतावनी सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। अतः बच्चों, आपने विस्तार से जाना कि एक व्यवसाय किस प्रकार अपने आसपास के इन आयामों से जुड़े रहकर व्यवसाय करता है। एक व्यवसाय की उन्नति के लिए यह अति आवश्यक है कि वह अपने आसपास मौजूद इन पांचों आयामों पर सदैव अपनी दृष्टि बनाए रखे तथा उनके विश्लेषण के द्वारा ही अपने नियोजन, नीतियों और क्रियाओं का निर्धारण करे। प्यारे बच्चों, आशा है व्यावसायिक पर्यावरण अध्याय के इस भाग से आप व्यावसायिक पर्यावरण के अर्थ, विशेषताओं, महत्व और विभिन्न आयामों से भली भांति परिचित हो गए होंगे। बच्चों, आज के लिए इतना ही। इस अध्याय के दूसरे भाग में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।